बॉलीवुड एक्ट्रेस ज़ायरा वसीम, जो कि मशहूर हुई दंगल गर्ल के नाम से। साल 2017 में फिल्म दंगल आई, जिसमें उन्होंने महिला रेसलर का किरदार अदा किया, जिनका नाम है बबीता। यहां अखाड़े में उन्होंने खूब करतब दिखाए, हर किसी को काफी ज्यादा अपने बबीता के किरदार से उन्होंने इम्प्रेस कर दिया। दंगल गर्ल के नाम से मशहूर होने के बाद वो बन गई एक सुपरस्टार, जी हां, सीक्रेट सुपरस्टार, जहां वो फिर से आमिर खान के साथ नजर आई। इन दोनों ही फिल्मों को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। जहां वो रेसलर के तौर पर पहली फिल्म में नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर वो नजर आई एक सिंगर के तौर पर, जो सिंगर बनना चाहती थी, अपने परिवार वालों से लड़कर आगे बढ़ रही थी, और आखिरकार अपने पिता से लड़कर, अपने पति से लड़कर ज़ायरा वसीम के करेक्टर में जो ये किरदार था वो काफी ज्यादा छा गया, और ऐसे में माँ बेटी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। ये कहानी हर किसी को इम्प्रेस कर रही थी, खासतौर पर ज़ायरा वसीम की एक्टिंग। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि ज़ायरा अब आपको किरदार अदा करते हुए कोई भी नजर नहीं आने वाली, तो आपके क्या रिएक्शन होंगे? जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहना है ज़ायरा वसीम का कि अब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में और काम नहीं कर सकती है। उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह उन्होंने शेयर की है। उन्होंने अपने सोशल अकाउंट यानी कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरों को पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने काफी लंबा चौड़ा एक लेटर लिखा है। यहाँ उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को दर्शाया है, जहां इन 5 और 6 पेज के इस लेटर में ज़ायरा वसीम के दर्द का भी पता चला है। आप इन्हें ठीक से देख पा रहे होंगे, जिसे शॉर्ट में अगर बताया जाए तो वो कुछ ऐसा है कि ज़ायरा वसीम अपने धर्म पर ध्यान नहीं दे पा रही है। दरअसल ज़ायरा ये कहना चाहती है कि वो अपने बॉलीवुड करियर में आगे बढ़ती जा रही हैं। वो इस बात को लेकर खुश नहीं है। 5 सालों में उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है, उन्होंने पॉपुलैरिटी देख ली है, जिस चीज की उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। उनके लिए फौरन से ही एक रास्ता खुल गया था बॉलीवुड इंडस्ट्री का, और वहां कदम रखते ही वो हो गई थी पॉपुलर। उन्होंने ये सोचा जहां नहीं था, लेकिन इस बात को लेकर वो खुश भी जरूर थी। लेकिन इन 5 सालों में उन्हें ये समझ आ गया कि कश्मीर की लड़की बॉलीवुड इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि इस पर ध्यान देने की वजह से वो अपने धर्म से दूर हो रही है। अब ऐसे में धर्म से दूर होने पर बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ना किसी को खास बात समझ नहीं आ रही, लेकिन उनके इस वर्ड्स पे लिखे जा रहे लेटर्स पर देखकर हर कोई इस वक्त हैरान जरूर हो चुका है। हर किसी का ये कहना है कि ज़ायरा मत जाइए, लेकिन ज़ायरा अब बॉलीवुड इंडस्ट्री को पूरी तरह से छोड़ने की ठान चुकी है। बता दें कि ज़ायरा जहां छाई रही है अपनी एक्टिंग की वजह से और काम की वजह से, तो वहीं साल 2017 में उन्हें लेकर कॉन्ट्रोवर्सी भी सामने आई थी, जहां ज़ायरा ट्रैवल कर रही थी दिल्ली टू मुंबई एक फ्लाइट में, और यहां पर हुई थी उनके साथ छेड़छाड़। वीडियो के जरिए उन्होंने अपने दर्द को बयां किया था और बताया था कि किस तरह से फ्लाइट के दौरान 2.5 घंटे की फ्लाइट में एक शख्स उन्हें छेड़ता रहा था, और इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान थी। लेकिन दुख इस बात का है कि वो उस इंसान की वीडियो नहीं बना पाई। ज़ायरा वसीम अब बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़कर जा रही हैं। उनके नाम ये कॉन्ट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई है कि अब वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन इसके बाद आप सभी उन्हें अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में देख तो नहीं पाएंगे किसी भी खास फिल्म में, मगर हाँ, बता दें कि सीक्रेट सुपरस्टार और दंगल ही उनकी आखिरी फिल्में नहीं रहने वाली। वो जल्द ही नजर आने वाली है प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द स्काई इज पिंक में, और ये होगी उनकी आखिरी फिल्म। वेल, ज़ायरा बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़कर जा रही है, लेकिन इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि आखिर उन्होंने कौन सी ये वजह सामने रखी है, वो थोड़े से भी मायने रखती है या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।